देखिए, आज मैं तवा तंदूरी रोटी का रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल नया है और आप सोच भी नहीं सकते कि बिना तंदूर के तंदूरी रोटी कैसे बन सकता है। तो देखिए, मैं आज तवा तंदूरी रोटी बहुत ही बढ़िया बना के दिखाई। एक मैं आपको ऐसे करके भी दिखा देती हूँ, मोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ। देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होता है। तो चलिए, मेरे साथ आपको मैं बना के दिखाती हूँ। तवा तंदूरी रोटी बनाने के लिए मैं, देखिए, ये 1 कप है और ये 1 कप है, ये 2 कप मैदा ली हूं। ये 1/2 चम्मच ये बेकिंग पाउडर है, मीठा सोडा भी ले सकते हैं आप। 1 चम्मच चीनी है, छोटा चम्मच से नमक स्वाद अनुसार, और ये 4 चम्मच दही है, खट्टा दही है, इसमें खट्टा दही का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटा चम्मच से 3 चम्मच रिफाइंड वाली हूं मैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, दही का मात्रा इतना होना चाहिए। देखिए इस तरह से, देखिए बंध जाए। देखिए, थोड़ा खट्टा दही का इस्तेमाल करना है। अगर मीठा दही है तो आपको वो करीब आधे घंटा तक छोड़ना होगा ढक करके। ऐसे आप खट्टा दही है तो इसको अब 15 मिनट के बना सकते हैं फिर से। देखिए, मेरा मिक्स हो गया अच्छे से सब। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसका डो तैयार करूंगी। एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे। बहुत टाइट डो इसका तैयार नहीं करना, थोड़ा मुलायम रहना चाहिए। इसमें हम हल्का सा मैदा और डालेंगे, हल्का। देखिए, मैं इतना मैदा और डाल रही हूँ थोड़ा। अच्छे से मिक्स कर इसको, अच्छा मुलायम डो तैयार कर लेना। देखिए, मेरा मुलायम डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढकूंगी। अगर आपका दही मीठा है तो इसको आधे घंटे के लिए रखना होगा, पर मेरा दही काफी खट्टा है इसलिए मैं 15 मिनट रख रही हूँ। देखिए, मेरा 15 मिनट हो गया है, ये काफी फूल भी गया, देख सकते हैं। इसको एक बार ऐसे मिला लेना है। इसका पेड़ा बना लेना है। बराबर साइज के 4 बना लिए हैं। ये रोटी थोड़ा मोटा बनता है, देखिए इस तरह से। एक बार इसको मैदा में से लपेट लेना है। देखिए, एक बार मैदा लगाना है, दोबारा बार बार नहीं लगाना है इसमें। ये रोटी थोड़ा मोटा बनता है।
देख सकते हैं थोड़ा मोटा है। इसके एक तह में हम पानी लगाएंगे, ऐसे पूरे में छिप सब कर देंगे, पूरे में लगा दिए। जिस तह में पानी लगाए हैं उसको हम देखिए, मेरे यहाँ तवा भी गर्म होने के लिए रख दिए, तवा मेरा गर्म हो गया है। जिस तह में मैं पानी लगाई हूँ उसको नीचे रख देना है। अब फ्लेम को मैं कम कर दूंगी, देखिए मेरा बबल्स आने लगा है, आप देख सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं हल्का हल्का फूल गया पूरा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा और पका लेते हैं। देखिए अब मैं तवा को ऐसे पलट लूंगी, फ्लेम को तेज कर दी हूं, इसको ऐसे करके सेक लेना है ऐसे। देख सकते हैं, देखिए इस तरह से इसको सेकना है, देखते भी रहे उठा उठा करके ताकि ये जल नहीं जाए। देख सकते हैं, देखिए थोड़ा और सेकूंगा इसको। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसको, इस साइड से भी इसे थोड़ा सेक ले रही हूं। देखिए देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया आया है। देखिए मेरा दूसरा साइड भी आप देख सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं। अब मैं इसमें घी लगा लूंगी, अब मैं इसमें घी लगा ले रही हूं। देखिए मैं दूसरा भी बनाकर आपको दिखा रही हूं। मैदा में बस एक ही बार लपेटना है, बार बार नहीं, नहीं तो वो फिर तवा पे आप रखेंगे ना तो वो चिपकेगा नहीं। मैं दोबारा बना के आपको दिखा दे रही हूं। देख लीजिए पानी लेकर पूरा ऐसे थप थप कर देना है, चारों तरफ लगा देना है पानी जितना अच्छा से लगेगा। और देखिए ये तवा भी मेरा काफी गर्म है, इसको रख दिए। देखिए बबल्स आने लगे, आप देख सकते हैं, देखिए नजदीक से। देखिए आप देख सकते हैं ऐसे सेकते समय फ्लेम को तेज कर देंगे, इसे क्या होगा ना कि वो अच्छे से सिकेगा, और देखते भी रहना है। थोड़ा मैं कम करूंगी हल्का, चारों तरफ घुमा घुमा के सेक लेना है।
देखिए इसका इस पार्ट को देखिए, देखिए मैं अब सब में थोड़ा थोड़ा मैं घी लगा दे रही हूँ। अब सारे को देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। अब सभी घी लगा दे रही हूँ थोड़ा। थोड़ा मैं धनिया की पत्ती से गार्निश कर दे रही हूँ। तवा तंदूरी रोटी बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा।